बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अल्लाह ताला के पाक नाम से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज मैं सुबह जैसे ही उठा तो मैं बाहर के देखा तो बाहर तो बारिश हो रही थी, और आज हमने पापा के साथ ईद की शॉपिंग पे जाना है। मौसम में तब्दीली की वजह से हम ये बात डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अपने ईद के कपड़ों की ड्रेसिंग मौसम गर्मा के लिहाज से कि नहीं, या मौसम सर्मा के लिहाज से, क्योंकि कभी मौसम ठंडा हो जाता है और कभी गर्म हो जाता है। वैसे तो हम मौसम के हिसाब से बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमारे मुल्क में चारों मौसम दिए, खुसूसी रमज़ान के इस महीने में मौसम के वाले से अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, और ये महीना भी बहुत रहमतों और बरकतों वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। जैसा कि व्लॉग के आगाज़ में आपको अरसलान अहमद ने बताया था कि आज हमने शॉपिंग करने जाना है बच्चों की ईद के हवाले से, तो मैं अब ड्यूटी से आके अफ्तारी वगैरह करके हम फ्री हो चुके हैं, तो अब चलते हैं बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं बच्चों की शॉपिंग के लिए, तो ये हमने बाइक निकाल ली है, ये देखें, ये हमने बाइक रेडी कर ली है, अब हम रवाना होने लगे हैं और लीडर साहब हमारे साथ जाएंगे। ये देखें, ये शॉपिंग के लिए हमारे साथ जा रहे हैं और अब हम चलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये पापा ने बाइक स्टार्ट कर ली है, तो अब हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने, तो फिर अब हम आप वहाँ से जाके मिलते हैं। गाइस ये हमारे शालामार लिंक रोड पे अर्बन स्टूडियो वाले, ये ब्रांड है बच्चों के लिए, वुमेन मैन और बच्चों की शॉपिंग के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया इधर आए हैं, ये देखिए ये शॉप है। अब अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं बच्चों के कोट वगैरह बैट कोट वगैरह लेने के लिए। ये देखें गाइस अब हम आए हैं इसके अंदर, ये बच्चों के टू पीस कोट वगैरह लगे हैं, ये देखें ब्रांडेड है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, ये देखें, ये यहाँ से मैं बच्चों की शॉपिंग कर रहा हूँ, ये देखें, ये अब हमें ज्वाइन किया है जी। अस्सलामुअलैकुम भाई जी, क्या हाल है, नाम प्लीज़? इमरान। इमरान भाई ने हमें ज्वाइन किया, तो क्या प्राइस है इनकी सबकी? इनकी सबकी 5000 तक प्राइस है, 50 और का भी। ठीक है, और इमरान भाई ईद के वाले से कोई रश वगैरह? बहुत ज़्यादा रश चल रहा है। थैंक यू सो मच। जैसा कि इमरान भाई ने बताया, ये इनकी शॉप है। तो फाइनली गाइस अब हम ईद की शॉपिंग करके वापस आ चुके हैं, और अब हम ऊपर चलते हैं और आपसे अपनी ईद की ड्रेसिंग शेयर करते हैं। ये देखें, तो अब हम आपसे ऊपर चल के अपनी ईद की ड्रेसिंग शेयर करते हैं। तो गाइस फाइनली हम बच्चों की ईद की शॉपिंग करके घर वापस आ चुके हैं, आइए अब हम आपको शॉपिंग दिखाते हैं। ये देखें गाइस, ये मोहम्मद अयान का 3 पीस है जो फर्स्ट डे ईद पर पहनेंगे, और ये अयान भाई का ही 2 पीस है जो सेकंड डे पे पहनेंगे ईद पे, और ये आगे आ गया जनाब अलियान भाई का 2 पीस जो फर्स्ट डे ईद पर पहनेंगे, और अलियान भाई का ये 3 पीस है
जो सेकंड डे ब्लैक कलर में, जो सेकंड डे ईद में पहनेंगे, और अब बारी आई है हमारे छोटे ब्लॉगर मोहम्मद अद्यान भाई। अद्यान भाई का ये थ्री पीस है जो वो फर्स्ट डे ईद पर पहनेंगे, और ये मोहम्मद अद्यान भाई का टू पीस है जो वो सेकंड डे ईद पर पहनेंगे, और इसके साथ ये देखें, ये अरसलान भाई की जीन्स है, और इसके साथ ये अलियान भाई की जीन्स, और ये देखें साथ में शर्ट, और ये अरसलान भाई की जीन्स है ब्लैक में, और ये देखें साथ में ब्लू डॉट वाली, ब्लू शर्ट है डॉट वाली, और ये अरसलान भाई का ड्रेस है जनाब ब्लू जीन्स, और ये शर्ट है उनकी साथ, और ये मेरी ड्रेसिंग है, ब्लैक सूट हमने लिया है, और एक ये वाला सूट लिया है, और ये देखें एक सूट ये है, ये तीन सूट मेरे हैं, अभी इनकी स्टिचिंग के लिए इनको देना है दर्जी के पास। और गाइस ये है टोटल हमारी, ये देखें, अब नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। ये उनकी शॉपिंग है, ये तो गाइस ये देखें बच्चे कितने एक्साइटेड हैं अपनी शॉपिंग को लेके, माशाल्लाह ये देखें। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी ईद की शॉपिंग कर ली है, और मुझे अपनी शॉपिंग बहुत अच्छी लगी, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम फिर ईद पे घूमने जाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। और आपने बताना कमेंट्स में कि कौन कौन ईद के लिए एक्साइटेड है, और मुझे तो अपनी ईद की शॉपिंग बहुत अच्छी लगी है। तो गाइस मुझे ईद की शॉपिंग बहुत अच्छी लगी, आप कमेंट में बताएं कि आपको अच्छी लगी, आपने खरीदी है इनकी शॉपिंग। इसी के साथ करते हैं आज का लाइव खत्म, तो मिलते हैं हम।